जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा, दिस इज द बेस्ट सॉन्ग फॉर चिल्ड्रंस। बचपन की बातें हैं, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी बातें हैं जो बचपन से लेकर पचपन तक हमारे साथ चलती है। जॉनी जॉनी की जो राइम हम बचपन से सुनते हुए आ रहे थे, वो हमें जवानी में भी सुनने को मिल रही है। वहाँ से जॉनी ने वॉक करते हुए हमारे साथ जॉनी वॉकर के रूप में एक दोस्ती बना ली, और वो दोस्त सौगात लेके आया है रेड लेबल के रूप में हमारे हाथों के अंदर। तो दोस्तों उन्हीं बचपन से पचपन की यादों को याद करते हुए वेलकम करता हूँ मैं आप सब लोगों का व्हील्स ऑफ विस्की के आज के स्कॉच भरे हुए एपिसोड के अंदर। और जिस स्कॉच विस्की का आज हम रिव्यू करने वाले हैं, अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, जिसके नोजिंग और टेस्ट रिव्यू आज हम चेक करेंगे, तो वो स्कॉच विस्की है जॉनी वॉकर रेड लेबल स्कॉच विस्की। बेहतरीन, बहुत बढ़िया, उम्दा। देखिए मित्रों, ये स्कॉच जॉनी वॉकर फैमिली की सबसे यंग मेंबर है, सबसे ज़्यादा सेल होने वाली स्कॉच है, जिसे हम एंट्री लेवल ऑफ स्कॉच भी बोल सकते हैं। और ये विस्की हमेशा अपनी अलग ही पहचान बना के रख रखी इसने मार्केट में। इस विस्की के जितने भी सारे फैमिली मेंबर्स हैं, उन सब ने एक ही पैटर्न के क्लोथ्स पहन रखे हैं। मतलब ये क्या बात हुई, एक ही पैटर्न के क्लोथ्स पहन रखे हैं। हाँ, जो कलर है वो कलर सबका डिफरेंट है, बिकॉज मैं बात कर रहा हूँ लेबलिंग की। जितनी भी लेबलिंग है जॉनी वॉकर सीरीज़ की, उन सब की टिंटेड है थोड़ी। उसके पीछे रीज़न है, और रीज़न के पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है। स्टोरी मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगा, लेकिन आज हम बात करते हैं सिर्फ जॉनी वॉकर रेड लेबल की। तो ये जो विस्की है, इसकी जो लेबलिंग है, इस लेबलिंग से होता क्या है दोस्तों, बहुत ईजिली आप इसको दूर से ही पहचान लेते कि हमें यही वाली स्कॉच विस्की चाहिए, जॉनी वॉकर सीरीज़ की स्कॉच विस्की चाहिए। इसको हम स्लैंटेड लेबल भी बोलते हैं। और आज की डेट में वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बिकने वाली स्कॉच विस्कियों में इसका नाम आता है, और ये मोर देन 200 कंट्रीज़ के अंदर अवेलेबल है। तो आप समझ जाइए, मतलब कितने लाखों दिलों की धड़कन है हमारी जॉनी वॉकर रेड लेबल। इस बॉटल को अनबॉक्स कर लेते हैं। सबसे पहले आउटर जो लेबल है उसकी बात करते हैं। रेड कलर का आउटर लेबल है, रेड लेबल ब्रांड का नाम है, इसलिए इन्होंने आउटर लेबल जो है वो रेड कलर के अंदर प्रिंट किया हुआ है। जो जॉनी वॉकर का लोगो है वो आपको सामने साफ दिख जाएगा। उसके अलावा जो कंपनी है, उन्होंने जॉनी वॉकर के बारे में सारी चीजें बता रखी है, सारी चीजें आपके जो आउटर बॉक्स है उसके ऊपर लिखी हुई है। तो चलिए इस बॉटल को अब हम अनबॉक्स कर लेते हैं। हीरा जॉनी वॉकर अगेन स्क्वायर शेप की बॉटल है, और इसकी जो बॉटलिंग आज से नहीं, सालों से यही पैकेजिंग है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। इजीली आपको जो विस्की का कलर है वो दिख जाएगा बॉटल के अंदर से ही, और लेबल जॉनी वॉकर की सारी बॉटल्स का इसी तरीके से आता है। बहुत ही अच्छी और फाइन तरीके से इस स्कॉच बॉटल को डेवलप किया गया है। तो चलिए इस बॉटल को हम अनबॉक्स कर लेते हैं। तो जैसे इंडियन विस्कीज की बॉटल आती है कि हमें पर्टिकुलर जो स्पेस है वो फाइंड करके टियर करना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। तो इसके अंदर हमें बस जस्ट ही जो कैप है इसको रोटेट करना पड़ेगा, और ये हमारा बॉटल ऐसे खुल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जो हमारी जॉनी वॉकर स्कॉच विस्की है उसको हम ग्लास के अंदर पोर कर लेते हैं, और चेक करते हैं क्या के टेस्ट रिव्यू नोजिंग नोट्स क्या बोल रहे हैं हमारी इस बेहतरीन स्कॉच विस्की के। तो हमने ग्लास में इसको पोर कर लिया है, लगता है वैक्यूम बन गया था बॉटल के अंदर, इसलिए इसको ग्लास के अंदर आने में दिक्कत हो रही थी, या फिर शायद मेरे से इतना प्यार नहीं करती है। बढ़ जाएगा प्यार, बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कलर की। कलर इस स्कॉच विस्की का एम्बर कलर है, जैसा कि आपको मेरे ग्लास के अंदर दिख रहा है। बहुत ही अच्छा टेक्सचर है इस विस्की का। और नोजिंग चेक करते हैं कि आखिर नोजिंग क्या बोल रही है इस स्कॉच विस्की की।
देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल जो अरोमा ऑफ माल्टेड बार्ले एंड ग्रेन्स है वो मुझे फील हो रहा है इस स्कॉच के अंदर से। ओकीनेस ऑल्सो आई एम फीलिंग फ्रॉम दिस स्कॉच विथ सम हिंट ऑफ स्पाइसेस। अब स्पाइसेस के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो जो पेपर है, पेपर स्पाइसेस के मेरे को ज़्यादा प्रोमिनेंट नोट्स इसमें से आ रहे हैं। और एक बात बोलूं दोस्तों, बहुत कुछ है इस स्कॉच के अंदर, इस एंट्री लेवल स्कॉच के अंदर जिस प्राइस रेंज में आ रही है बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। साथ में मेरे को जो हिंट ऑफ एलमंड्स है वो भी फील हो रहा है, वो भी मेरे को महसूस हुआ है इस स्कॉच के अंदर से। और जो लाइट स्वीटनेस है बटर स्कॉच की और वेनिला की वो भी फील हो रही है मेरे को इस बेहतरीन स्कॉच के अंदर से। देखिए दोस्तों, हनी, वनीला और साथ में जो स्वीटनेस है वो फील करवाया है इस स्कॉच ने मुझे। स्पाइसी भी है और स्पेशली अगेन जो वाइट पेपर है वो मेरे को महसूस हुए हैं, उनका टेस्ट मेरे को इसमें से महसूस हुआ है। नट मैक के भी फ्लेवर मेरे को महसूस हुए हैं, जिसे हम जायफल भी बोलते हैं हिंदी के अंदर। स्मोकीनेस भी है, फील हो रही है बट बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, जिसे कहते हैं माइल्ड स्मोकीनेस मेरे को फील हुई है इस स्कॉच के अंदर से। और स्वीटनेस की अगर हम बात करें तो स्वीट है विस्की, इतनी ज़्यादा नहीं है, मीडियम स्वीट है और वो भी लगता है डेवलप हुई है इसके अंदर। जो स्वीटनेस है वो डेवलप हुई है थ्रू टॉफ़ी और जो कैरेमल है उनके टेस्ट के हिसाब से, उनके जो फ्लेवर से उसके अकॉर्डिंग ही स्वीटनेस इसके अंदर डेवलप हुई है। अगर जो मेन इंपॉर्टेंट बात मैं बात करूं फिनिश की, तो फिनिश इस स्कॉच का शॉर्ट है, स्वीट है विथ टच ऑफ फ्रूट्स, बहुत ज़्यादा नहीं बट टच ऑफ फ्रूट्स मेरे को फील हुआ जब मैंने टेस्ट करी इस बेहतरीन स्कॉच को। तो चलिए क्यों ना थोड़ा बहुत जो वाटर है वो ऐड कर दिया जाए स्कॉच के अंदर। जितनी क्वांटिटी स्कॉच की है उतना ही मैंने वाटर इसके अंदर ऐड किया है और चेक करते हैं वाटर के साथ मिलने के बाद क्या कुछ चेंज आया इसमें। देखिए दोस्तों, जो फ्लेवर्स थे वो थोड़े एनहेंस हुए हैं, स्वीटनेस लेवल थोड़ा सा डाउन हो गया क्योंकि मैंने जितना वाटर मिलाया इसके अंदर उतनी ही स्कॉच विस्की अवेलेबल थी मेरे ग्लास में, 10 से 15 ml थी और उतना ही मैंने पानी मिलाया, स्वीटनेस लेवल थोड़ा डाउन हुआ है लेकिन स्मूथ तो मेरे को इतनी ज़्यादा नहीं लगी, उस टाइम भी उतनी स्मूथ थी जितनी मेरे को अभी फील हो रही है। और एक थोड़ा बहुत जो मेरे टंग के ऊपर टिंगल हुआ था जब मैंने नीट पी थी, और वो होएगा भी बिकॉज अगर आप डायरेक्ट अल्कोहल पी रहे हैं तो आपके टंग के ऊपर जो बर्न फीलिंग है वो तो आएगी आएगी, वो थोड़ी बहुत मेरे को कम लगी। लेकिन बात टंग की नहीं हो रही है, बात हो रही है थ्रॉट की भी, जब गले से उतरी उस टाइम भी थोड़ी सी हल्की सी बर्न आ रही थी मेरे को, वो वाटर के साथ मिलने के बाद वो चीज़ बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। तो आप इसको वाटर के साथ अच्छे से ट्राई कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि किसके साथ ये स्कॉच बेस्ट रहेगी, क्या पेयरिंग ड्रिंक रहेगी इसके साथ। तो ये बेस्ट रहेगी नीट या फिर ऑन द रॉक्स, आप दोनों ट्राई कर सकते हैं, वाटर के साथ भी ट्राई कर सकते हैं बट जो वाटर की क्वांटिटी उसे कम रखें और स्प्लैश ऑफ जो सोडा है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें पेयरिंग फूड की, तो पेयरिंग फूड के अंदर मेरे हिसाब से जो ग्रिल्ड फूड है, जो बारबेक्यू पे बना हुआ फूड है, जैसे सोया चाप हुआ, पनीर हुआ या फिर नॉनवेज टिक्का हुआ, वो बेस्ट रहेंगे इस स्कॉच विस्की के साथ। और बात करें हम अगर अल्कोहल बाय वॉल्यूम की, तो ABV इसके अंदर है 43% और प्राइस इस स्कॉच की है राजस्थान में 1570 rupees, 1570 rupees के अंदर ये स्कॉच मिल जाएगी। और दोस्तों एक ये भी रीज़न है कि क्यों ये स्कॉच इतनी ज़्यादा सेल हो रही है, बिकॉज क्वालिटी डिलीवर हो रही है, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है और प्राइस रेंज इसकी कम रखी हुई है, तो लोगों के बजट के अंदर भी ये स्कॉच आ रही है। तो इससे ज़्यादा तो आप क्या लेंगे यार इन पैसों के अंदर, कि जॉनी वॉकर का नाम मिल रहा है, क्वालिटी मिल रही है और कॉम्प्रोमाइज़ आपको किसी भी चीज़ के साथ नहीं करना पड़ रहा है। तो आप एक काम करिए, जल्दी से जाइए और लूट लीजिए, मैं बात कर रहा हूँ इस दारू के मज़े लूट लीजिए, हवस के पुजारी मत बनिए यार, मैं दारू की ही बात कर रहा हूँ। टाइम फॉर सम फन फैक्ट, जो कि मैंने उठाया है पंचतंत्र की कहानियों से। क्या झूठ लग रही बात? झूठी है, मजाक कर रहा था। तो एक बात है दोस्तों कि इसकी जो स्क्वायर शेप है उसके पीछे कोई रीज़न था, रीज़न बिल्कुल था। उससे पहले बता दूं कि 1920 के अंदर ये बॉटल डेवलप करी थी बाय अलेक्जेंडर वॉकर,
और रीज़न ये नहीं था कि अपीरेंस बहुत अच्छी हो, दिखने में बड़ी सेक्सी लगे कि हम बॉटल लेने जाएं और बोले ब्रो आई नीड दैट स्क्वायर बॉटल, सेक्सी बॉटल, गिव इट टू मी, ऐसा घंटा कुछ भी नहीं था। रीज़न था कि ये जो बॉटल है वो बॉक्सेस के अंदर कम स्पेस ले और ज़्यादा से ज़्यादा बॉटलें आ जाए और ब्रेकेज के चांसेस कम हो जाएं। और इसका जो लेबल है वो 24 डिग्री में टिल्टेड है। अब आप बोलोगे हमें क्यों बता रहे हो, तो यार आप आपके दोस्तों के बीच में थोड़े मज़े ले लेना, कह देना, टांग खींच देना कि यार आई एम हार्डकोर फैन ऑफ जॉनी वॉकर, मुझे पता है 24 डिग्री के अंदर ये टिल्टेड है। हालांकि जो अंग्रेज होते हैं उनका कुछ टाइम में टिल्टेड हो ही जाता है, लेकिन इससे उसका कुछ लेना है देना है मुझे नहीं पता, शायद हो भी सकता है। तो ये तो बात है दोस्तों की, यारों की। और बात करते हैं ये जो लोगो है, इस लोगो का नाम है स्ट्राइडिंग मैन, जो कि डेवलप किया था फेमस कार्टूनिस्ट ने, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, मेरे को याद नहीं है, बट इसको स्ट्राइडिंग मैन लोगो ही बोलते हैं जॉनी वॉकर का। तो दोस्तों यहाँ पे ख़त्म होता है किस्सा। किसका? आपका? नहीं। मेरा? नहीं। इस बॉटल का? इसका तो बिल्कुल भी नहीं। किस्सा ख़त्म होता है मेरी बकचोदी का, जो कि मैं पूरी की पूरी कर चुका हूँ, और वो सारी बकचोदी के अंदर जो भी मैंने बातें बताई वो सारी सच्चाई थी, 110% सारी सच बातें थी। और बेड़े जिन जिन लोगों ने अपनी विस्की का घूट पिया है, ओरिजिनल था जिन जिन लोगों ने अपनी माँ का दूध पिया है, लेकिन अगर हम व्हील्स ऑफ विस्की पे हैं तो जिन जिन लोगों ने अपनी विस्की का घूट पिया है वो बता दीजिए कि क्या नेक ख्याल है आप लोगों का इस स्कॉच के बारे में, दिल खोल के बता दीजिए मोहल्ला 80 की तरह। और अगर आपको ख्याल नेक लगते हैं या अनेक लगते हैं तो बता दीजिए मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर, प्यार भरे नगमे मेरी तरफ पहुंचा दीजिए। और हर सवाल का जवाब तो मैं देता ही हूं, इसके अंदर तो मेरी रेपुटेशन बहुत ही बढ़िया है। तो ठीक है दोस्तों, जाने का टाइम हो गया है, जल्दी आएंगे नई बॉटल के साथ। तब तक आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए आपके अपने चैनल जिसका नाम आपको पता ही है। चीयर्स, गुड बाय और एंजॉय द डे विथ व्हील्स ऑफ व्हिस्की। बाय।